जी अच्छा इस तरह दिस मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड. मैं आपको बताता हूँ सही है। सबसे पहले होलसेल जी प्राइवेट लेबल ड्रॉप शिपिंग ना सबसे पहले डिपेंड करता है कि आप प्राइवेट लेबल बेस्ट है होलसेल बेस्ट है। सबसे आप मुझे ये बात कंफर्म करें कि आपका बजट क्या है। अच्छा, बजट मैं जा सकता हूँ, मतलब 10-12 हज़ार पाउंड तक भी जा सकता हूँ. शायद अगर उससे भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई तो मैं भी उसमें भी जाऊँ. बट नहीं ओवरऑल जितना मैंने देखा है. नहीं नहीं आप मुझे वो बता दें इनिशियल आपका जो माइंड सेट आपने किया है कि मैंने एक बिजनेस को चलाना है सही है, तो मेरा जो इनिशियल बजट है वो तो फिर आगे आप इसको एक्सीड कर सकते हैं ना, लेकिन जो आपका इनिशियल बजट है वो आपका कितना है कि मैंने अमेजोन के लिए ये करना है, ये मेरे पास बजट है, मैं इसको लेके जाऊंगा। है मेरे पास, मैं कह रहा हूँ ना, तकरीबन अप टू 10,000 मैं भी कर सकता हूँ. अच्छा सही है। अच्छा जी 10,000। अच्छा उसके बाद फिर आपके पास अमेजोन पर दो बिजनेस मॉडल है सही, एक प्राइवेट लेबल है उसके बाद फिर दूसरा होलसेल है। ऑब्वियसली प्राइवेट लेबल बहुत जबरदस्त है, प्राइवेट लेबल मीन उसमें आप अपने एक ब्रांड एस्टेब्लिश करते हैं, तो होलसेल इस तरह जी कि आप मतलब रीसेल करते हैं सही है। एज कम्पेयर टू ठीक है. होलसेल प्राइवेट लेबल बहुत बेस्ट है, लेकिन प्राइवेट लेबल इस तरह कि उसमें आपके इन्वेस्टमेंट बहुत रिक्वायर होते हैं। अगर आप इफ यू वांट टू गो फॉर यूएसए मार्केट उसमें आपको रिक्वायर होता है 15,000+ डॉलर सही, एंड इफ यू वांट टू गो फॉर यूके मार्केट उसके लिए आपको रिक्वायर होता है 10,000+ पाउंड सही है। ये प्राइवेट लेबल को हो गया, लेकिन जो आपका जो बजट है ना 10,000 डॉलर सही है, इसमें आपके लिए मतलब बेस्ट यही है कि आप इसमें होलसेल आपके लिए इसमें बेस्ट है कि आप इसको ये 10,000 8,000 7,000 9,000 पाउंड होलसेल के लिए बहुत जबरदस्त है। इसमें से आप 4-5 प्रोडक्ट कैरी ऑन कर सकते हैं ना, तो आपका ये इस बजट में आप प्राइवेट लेबल भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये है कि ऑब्वियसली वो जरा रिस्की भी है सही है। तो आपके लिए मैं ये जी रिकमेंड करूँ कि आप इस बजट के थ्रू आप होलसेल बिजनेस कर दे सही, ये क्लियर है। उसके जी बाद जी फिर आपका मार्केट किस तरह के मतलब आप किस मार्केट में जाना चाहते हैं, यूएसए या यूके या क्योंकि मैं इधर यूके में ही होता हूँ, अगर इसके अंदर कोई पैकेजिंग का, मुझे लेबलिंग वगैरह का कोई काम आता है जो आप जब मंगवाते हैं, क्योंकि मेरा एक दोस्त है वो करता है, तो उनके उनका ये होता है कि उसने इधर एक बंदे को हायर किया हुआ है. मैं तो खुद भी कर सकता हूँ अपने 9 to 5 के बगैर, जो है ना, मैं टाइम होता है मेरे पास, मैं उसको मैनेज कर सकता हूँ. तो उसमें मैं ये, मतलब जो आप लेबल वगैरह निकालते हैं, फिर उस पर पता नहीं वो क्या करता है, लेबल निकालता है, प्रिंट करता है, फिर हर एक उस पर लगाता है, और फिर उसको एक बॉक्स जो है ना, उसको बना के जो है ना, वो शिप पैकेजिंग करता उसकी पूरी. है, पैकेजिंग. जी, वही करता है उसका. तो जी वो मैं अभी चूंकि इस मार्केट में खुद बैठा हुआ हूँ, तो मैं उसको मैं वो सारा काम जो है ना इसमें खुद कर सकता हूँ. दूसरा ये कि इधर मुझे पता है यहाँ के मार्केट भी, टाइम गुजारा हुआ इधर मैं रह भी रहा हूँ, पता नहीं, मुझे अब अंदाजा नहीं है यूएस में, अगर मैं इवन मैं शायद कर तो लूंगा, पर मतलब जो मेरी प्रायोरिटी है वो यही है कि मैं इधर ही कर लूँ. ये आपके लिए जरा आसान भी रहेगा इस लिहाज से. यू जी, दूसरा यूए माइट बिल्कुल हैव कॉन्टेक्ट्स देयर. बिल्कुल यूके जिस तरह आपने बताया, अगर आप यूके रेजिडेंट हैं तो मैं आपको फिर यही रिकमेंड करूंगा कि आप यूके बेस्ट कर दें सही, सेलेक्ट कर दें। तो यूके पर आप सेलेक्ट कर दें, और यूएसए इस तरह के यूएसए भी बहुत बेस्ट है ना, लेकिन उसमें जी, आपको वो एलएससी फाइल करना पड़ता है, वो पूरा एक लॉन्ग प्रोसेस है ना। तो जैसे आप वो यू आर जी, यूके वही. रेजिडेंट हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप यूके में होलसेल स्टार्ट करते हैं, फिर उसको मतलब इस तरह भी आप कर सकते हैं ना कि बाद में आप उस होलसेल को प्राइवेट लेबल में स्विच कर सकते हो सेम अकाउंट से ना, तो आपके पास ये भी ऑप्शन है। अच्छा इसके अलावा मैं आपको अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ सही है, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ कि करंटली ठीक हो गया. मतलब हमारे पास कितने वो अकाउंट है होलसेल के है प्राइवेट लेबल्स के ना मुख्तलिफ कंट्रीज के। ये आप मुख्तलिफ अकाउंट्स है ना, ये जो फर्स्ट है आपके पास यूएसए का है, फिर उसके बाद यूएसए फिर यूके का अकाउंट है ना। चलो मैं आपको एक यूके का अकाउंट दिखाता हूँ। ये जो हमारे अकाउंट है ना ये यूके के अकाउंट है सही है, एंड दिस अकाउंट इज प्योरली होलसेल के अकाउंट है सही है। ये वाले अकाउंट इसमें तकरीबन कोई हमने लिस्ट की है 3 to 4 प्रोडक्ट्स ओनली क्योंकि अभी स्टार्ट है ना, तो ये आपके पास इसका पूरा डैशबोर्ड ओपन है कि अभी आज के दिन हमारे पास जो ऑर्डर्स है वो 39 ऑर्डर्स है ना जस्ट बाय लिस्टिंग ओनली 4-5 प्रोडक्ट्स ना, वो भी होल सेल के सही है। ओके और इसका पूरा डैशबोर्ड अगर मैं आपको इसका
अब ऑब्वियसली मैं तो आपके प्रोडक्ट वो शो नहीं कर सकता, वो तो एक किस्म की प्राइवेसी है ना। तो ये एक यूके के अकाउंट है जिसको हम मैनेज कर रहे हैं, ये भी होल सेल के सही है, बाय बॉक्स आपको नजर आ रहे हैं। इसके बाद फिर मैं आपको एक दूसरा अकाउंट शो करता हूँ यूएसए का। जी हमारा दूसरा अकाउंट है यूएसए का सही, ये भी होल सेल है, ज्यादातर प्रोडक्ट इसमें होल सेल, लेकिन अभी इसमें एक प्राइवेट टेबल की लॉन्च करें तो इंशाल्लाह वो बाय बाय द एंड ऑफ मार्च वो लॉन्च हो जाएगी ना। तो ये अभी अभी पाकिस्तान के 10 o'clock है सही, तो अगर आप इसको यूके यूएसए के टाइमिंग से देख लेना तो उस वक्त मीन टू से मॉर्निंग 10-11 सर वहाँ पे इस वक्त 12:48 हुए हुए हैं दोपहर के। यस यस, तो अभी आज की जो हमारे वो ऑर्डर्स है ना वो 41 ऑर्डर्स है सही है, इस बाय नाइट तो उस वक्त इंशाल्लाह ये आपके 80, 90, 100, 120 ऑर्डर्स हमारे डेली आते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ये आपका होल सेल का वो अकाउंट है, तो होल सेल में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है एज कम्पेयर टू प्राइवेट लेबल में ना। उसकी वजह ये है कि प्राइवेट लेबल रिस्की बिजनेस है ना, उसमें आपका रिस्क जो फैक्टर्स है वो 50-67% होता है ना। लेकिन जो दूसरा जो आपके पास जो होलसेल बिजनेस मॉडल है ना, उसमें ये है कि आपने सपोज आपने अकाउंट बना दिया सही है, सपोज आपने यूके में यूके का जो जो होलसेल में 3 प्रोसेस है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी कंपनीज बनाते हैं, बैंक अकाउंट बनाते हैं, अमेजोन अकाउंट बनाते हैं सही है, आपका फर्स्ट स्टेज क्लियर हो गया। उसके बाद फिर दूसरा स्टेज है आप ब्रांड्स वगैरह फाइन करते सही है, अब सपोज आपने ब्रांड्स भी फाइन कर दिए, अप्रूवल वगैरह भी हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर सारा कुछ हो गया, अब सपोज आपने एंड यू हैव सेलेक्टेड 3-4 प्रोडक्ट ना, तो आप उस 3-4 प्रोडक्ट की करते क्या है। अब मैं आपको जब ये स्क्रीन ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूंगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। अब सपोज आपने 3 प्रोडक्ट सेलेक्ट कर दी सही है, या 2 कर दी इनिशियली, तो आप उस 3-4 प्रोडक्ट की कितने कितने यूनिट्स ऑर्डर करते हैं, 10-10, 15-15, 20-20 यूनिट्स ऑर्डर आप ऑर्डर करते हैं ना उस सिंगल प्रोडक्ट की सही है। तो उसमें आपके पास ये है कि सपोज अगर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा जो प्रोडक्ट हंटिंग या प्रोडक्ट सिलेक्शन प्रोसेस है ना वो इतनी नहीं है कि मतलब कोई प्रोडक्ट हम होलसेल में कर दे और वो आगे से फिर उसकी सेल वगैरह ना हो ना, हम उसकी पूरी 90 डेज का पूरा डिटेल से सारा कुछ चेक करते हैं ना। अब लेट सपोज बदकिस्मती से आपने 4 प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए, उसमें से 2 प्रोडक्ट सक्सेसफुल रहे, 2 अनसक्सेसफुल रहे, तो अगर आपका लॉस अगर आप लेट सपोज लॉस आ भी गए ना होलसेल में, तो वो मैक्सिमम कितना कितना यूनिट्स तक होगा, 10 यूनिट्स, 15 यूनिट्स, 20 यूनिट्स का, ये वो... तो बिल्कुल ऐसे ही है, वो इतना नहीं कंसिडर होता। बिल्कुल बिल्कुल, और दूसरा मतलब बिल्कुल दूसरा ये भी है कि सपोज आपने जो 20-30 यूनिट्स आपने किए ना, तो उसको मतलब आप दोबारा अमेजोन पर रीसेल कर दे। अगर आप चाहते हैं कि मुझे बाय बॉक्स मिले, ऑर्डर्स मिले, आप प्राइस सबसे कम कर दे सही, तो आपको वो पूरे एक दिन में वो हो जाएगा। जब फॉर एग्जाम्पल कह रहे हो, तो ये कि होलसेल बड़ा जबरदस्त बिजनेस मॉडल है, कोई रिस्क फैक्टर है ही नहीं, आप 3-4 प्रोडक्ट सेलेक्ट कर दे, 10-10 यूनिट्स बाय कर दे, 40 यूनिट्स हो गए, सेंड कर दे अमेजोन को, अगर वो सेल जबरदस्त थी तो उसके बाद आप उसकी नेक्स्ट इन्वेंट्री 100-200 इन्वेंट्री ऑर्डर कर देना। तो होलसेल बहुत बेस्ट है, चाहे वो यूएस में हो या यूके में हो या जितने बाकी मार्केट प्लेस में ना, होलसेल बहुत बेस्ट है। फिर उसके बाद आप 2-3-4 मंथ्स आपने होलसेल ट्राई कर दिया, उससे आपका जो इनिशियल प्रोसेस है वो मतलब स्टार्ट हो गया ना, तो मीन वाइल आप एक प्राइवेट लेबल भी आप कर सकते हैं, प्रोडक्ट कर सकते हैं ना सेम अकाउंट से, तो ये भी आपके पास प्लस पॉइंट है कि आप होलसेल स्टार्ट कर दे, 3-4-5 मंथ्स उस पे वर्किंग कर दे। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट कर दूं, आप वो भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको भी कर अकाउंट से फिर प्राइवेट लेबल भी कर सकते हैं। बिल्कुल, आप इस अकाउंट से प्राइवेट लेबल भी कर सकते हैं, होलसेल भी कर सकते हैं। बेहतरीन हो गया, ठीक है, बेहतरीन हो गया जी। तो ये बिल्कुल ठीक है, इट इज ये क्विक मतलब ओवरव्यू था कि होलसेल प्रोसेस। खालिद भाई मेरा इधर एक क्वेश्चन है, जो मेरा एक लास्ट मीटिंग्स में एक बंदे ने वो क्वेश्चन मेरा जनरेट कर दिया, और फिर उसके बाद एक लास्ट जो मेरा बंदा था उसने रिजॉल्व भी कर लिया, पता नहीं मैं आपसे कंफर्म करूंगा, क्योंकि आप माशाल्लाह प्रोफाइल भी आपका मैंने देखा था, बड़ा अच्छा है। तो मुझे उसने बोला था कि आपके टोटल अमाउंट पे यहाँ पे 20% टैक्स होता है, फिर उसके बाद मुझे एक बंदे ने बोला कि यहाँ पे आप लेते हैं यहाँ पे रीसेलर सर्टिफिकेट, जिसके थ्रू आपका टैक्स जो है ना वो एग्जेम्प्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। जो रीसेल सॉरी जो होलसेल के अंदर जो है ना
जो मैन्युफैक्चरर उसने मुझे बोला था कि नहीं करना, तो मुझे उसने मुझे ही बोला था कि भाई इसके अंदर 20% टैक्स है, और आपका अगर वो तो मुझे पता है जहाँ पे जो टैक्स रेशो पर चलता है, क्योंकि मैं एम्प्लॉयमेंट में हूँ तो मुझे एम्प्लॉयमेंट का पता है, बिजनेस का मुझे नहीं, मैंने अभी तक नहीं पता कि बिजनेस के अंदर क्या क्या टैक्स रेशो है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के अंदर तो ये है कि आप अंडर 40,000 है तो 20% है, अगर 40+ है तो फिर 40% टैक्स रेशो है यहाँ का जो एम्प्लॉयमेंट के अंदर है। अब बिजनेस का मुझे नहीं पता, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी इस मार्केट में काम कर रहे हैं, तो आपको इस चीज़ का कोई अच्छा मतलब अच्छे से आइडिया है कि जो ये 20% का मुझे इसमें बात की थी, फिर दूसरे बंदे ने इसको रिजॉल्व किया। जी, मैं ऐसे बताता हूँ। सही, अब ऑब्वियसली आप जिस कंट्री में बिजनेस करते, सही है, टैक्स आपको पे करना पड़ता है, चाहे वो अमेजोन की बिजनेस हो या वट एवर बिजनेस हो ना। एंड आपको बहुत अच्छा आइडिया होगा कि मतलब यूके में टैक्स सिस्टम किस तरह है। सही है, वो तो आप मुझे पता है ऐसे ही है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको मुझसे ज्यादा अंदाजा है। सही है, तो अब मैं जैसा जी आपको जी जी बताता हूँ कि जो वेट का कंसेप्ट है ना, अब सपोज वेट जी इस तरह, ये इस तरह के यूके में जब आप कंपनी फाइल करते हैं ना सी एच एम आर सी के साथ, उसके बाद पे जो आप मुख्तलिफ ब्रांड से प्रोडक्ट बाई करते, सही है, डिस्ट्रीब्यूटर से बाई करते, आप उनको हर प्रोडक्ट की 20% VAT पे करते हैं। सही है, वट एवर द केस, आपके पास सेल सर्टिफिकेट है या जो भी है, आप उनको 20% VAT वापस चार्ज करते हैं। सही है, चाहे वो जो भी प्रोडक्ट हो, ठीक आप 1 यूनिट बाई करते या 1,000 बाई करते, वो हर यूनिट पे आपको 20% वेट चार्ज करता है। ये तो कन्फर्म है, ये तो एग्जैक्ट है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। सही है, उसके बाद पे ठीक है दूसरा ठीक ये है कि अमेजोन भी आपसे वेट चार्ज करते हैं, लेकिन है लेकिन उसमें उस केस में आप इस तरह कर सकते हैं ना। अब अमेजोन का वो किस सिस्टम है कि अगर आपका 85,000 मतलब आपने सेल जनरेट किया है ना, चाहे लास्ट 3 मंथ्स में या 1 ईयर वट एवर ना, उसके बाद फिर वो आपसे मतलब वेट चार्ज करते हैं आपकी ऑर्डर्स में। इनिशियली हम करते क्या है कि सपोज हमने कंपनी ब्रांड्स मतलब अकाउंट वगैरह बना दिया, 2-3 ऑर्डर्स हम प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर दिए, वेट वगैरह चार्ज कर दिया। अब दूसरा जो जो हमारे पास ऑप्शन है कि अमेजोन हमसे वेट चार्ज ना करे ना, तो उसके लिए आपका प्रोसेस ये है कि आप अमेजोन के साथ केस ओपन करते, सी आपको बताते हैं कि मेरा जो करंटली थ्रेशोल्ड है वो बिलो 85,000 पाउंड है। सही है, सो काइंडली आप ठीक मुझसे 20% वेट चार्ज ना करें। तो उस केस में ये कि उसका जो आपका वेट चार्ज है वो आपका सेफ हो जाता है। उसके बाद फिर आपकी जब कभी आपका 85,000 तक मतलब सेल्स हो गया, तो उसके बाद फिर आप प्रॉपरली अपना वेट रजिस्टर करवाए यूके में, तो उसके बाद फिर आपको हो जाएगा। तो इनिशियली ये सर कोई मसला नहीं है, ये जो सप्लायर को है अमेजोन यूके, एग्जाम कर देता है ट्वेंटी अमेजोन एग्जेम्प्ट कर परसेंट लेता है। हाँ, वो एग्जेम्प्ट कर लेता है। और मैं उसके कितने आपको, चांसेस है कि वो कर लेता है? नहीं उसकी चांसेस चांसेस नहीं, वो आप उनके साथ केस ओपन करते। सही है, और केस ओपन के बाद आप उनके पास तो उनके, सारा रिकॉर्ड होगा ना आपका, तो अगर आपके 85,000 से कम है तो ऑब्वियसली फिर वो केस ओपन करके आप जब उनके नोटिस में ले आते हैं तो फिर वो आपका वैट आपको फिर नहीं देना पड़ता। ठीक हो गया ठीक हो गया। वंस यू क्रॉस दिस लिमिट तो फिर जाहिर है कि वो चीज खत्म हो जाती है। अब उस बिल्कुल लिमिट पे बंदा जाता है तो फिर तो बंदा प्रिपेयर भी कर सकता है, वो तो मसला जी नहीं जी है। बिल्कुल वो तो आप बिल्कुल पे करेंगे ना। तो इनिशियली जब हम हमारा तो वो लॉन्च स्टार्ट में, अब देखिए ये एक मेरे अब ये रिसेंटली ये हमने ये प्रोडक्ट वो किया 29 जनवरी को, ये इसमें हमने 1-2-3, अब अमेजोन जब आप अपनी फर्स्ट प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं ना, आप जब आप अपनी फर्स्ट प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो अमेजोन की साइड से आपको एक ईमेल होता है कि आपका वेट वेट क्या होना चाहिए ना। तो फिर उस वक्त आप क्या कहते हैं कि मतलब ये देखिए टेक्स वेट क्वेश्चन ना, तो आप उनके साथ एक ठीक ईमेल केस ओपन करें ना, आप उनको बताएं कि मेरा ये माय नेम इज दिस, माय कंपनी इज दिस, माय एड्रेस इज दिस। सही है, और जो मेरा करंटली जो वेट का थ्रेशोल्ड है ना, दैट इज ठीक बिलो मीन टू से 85,000, सो आप काइंडली क्या करवाएं मीन टू से आप हमारी जो वेट एग्जेम्पशन है वो आप हमसे चार्ज ना करवाएं ना। तो उसके बाद फिर हम दो ठीक तीन वो सर फाइल्स अटैच करते हैं, तो फाइल अटैच करने के बाद फिर वो हमारी वेट एग्जाम करवाते। सही, अब मैं आपके तुम हेलो फ्रॉम थैंक यू फॉर रिक्वेस्ट टू बी एग्जामिनेड ऑन सेल ऑफिस। तो ये हमारे केस ओपन की थी, 2-3 दिन के बाद फिर उसने हमारी रिक्वेस्ट मतलब एक्सेप्ट कर दी, कर दिया। ठीक और हम वो है वेट एग्जामिशन शुरू हो गए। सही, तो वो कोई ठीक मसला है नहीं ठीक है। है बेहतरीन है, बिल्कुल सही है। अच्छा अब हमने अब एक लास्ट हमारा जो क्वेश्चन पे आते हैं खालिद भाई, उसका क्या सीन होगा फिर हमारा, जो आप लोगों का जो आप लोगों के चार्जेस होंगे वो किस तरह करेंगे? चार्जेस तो हम पर मंथ वो करते ना, मैं पर मंथ 400 चार्ज करता हूँ। सही है, $400। 400 डॉलर, यस। अच्छा ठीक है,
तो आप लोग और इसमें इंक्लूड जी रहे, और इसमें आपका इंक्लूड रहे पूरा प्रोसेस, पूरा प्रोसेस से मुराद ये कि अगर आपका अकाउंट नहीं है हम आपके लिए अकाउंट बिल करते हैं, अगर आपका कंपनी नहीं है कंपनी बिल करते हैं, बैंक से अकाउंट, उसके बाद फिर ब्रेन, तो ए टू जेड सपोर्ट है इसमें। ठीक है, सही है, ठीक हो गया। अच्छा, पार्टनरशिप बेस पे तो आप लोग नहीं करते हैं, अगर मैं पार्टनरशिप पार्टनरशिप, ओपन यस करूं पार्टनरशिप बेस भी हम करते हैं, लेकिन उसमें भी सैलरी वो मस्ट है, सैलरी चार्ज करते हैं। उसमें क्या क्या प्रोसेस है अपना? उसमें 37, 20, 80 इस तरह है ना, लेकिन उसमें पर मंथ वो चार्जेस होते हैं। लेट सपोज में पर मंथ अगर आप चाहे विदाउट पार्टनरशिप तो 400, अगर आप चाहते हैं कि मतलब मैं पार्टनरशिप भी करूँ 37 या इस तरह, तो उस केस में फिर 200 चार्ज करते हो पर मंथ। 200 ऑब्वियसली अब आप लेट सपोज वो उसकी वजह क्या है ना, वो बेसिकली इस तरह है कि लेट सपोज जब आप अपनी बिजनेस करते हैं ना, तो आपके जो इनिशियल 2-3 months है ना उसमें तो आपका वो ऑब्वियसली आपका अपना स्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं ना, तो उसमें कोई प्रॉफिट वगैरह इतना होता नहीं है, तो फिर उस हवाले से हम जो इनिशियली 2-3 months के वो है उससे 200 चार्ज करते हैं, तो उसके बाद जब प्रॉफिट स्टार्ट हो जाता है उसके बाद हम 30+, 37 या इस तरह। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो इस तरह करते हैं, शायद खालिद भाई, मैं असल में यहाँ पे मेरा एक और भी पार्टनर है, मैंने उसको भी कांटेक्ट करना है उसके साथ सारा, क्योंकि ये इनिशियल मीटिंग था, मैंने आप लोगों के साथ करना था, फिर इसके बाद इंशाल्लाह सेकंड मीटिंग उसमें भी वो भी फिर होगा मेरे साथ, और उसमें फिर इंशाल्लाह हम डील क्लोज करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है ना, आप लोग सारा, आप लोगों का हम हमारे से अगर कुछ चाहिए तो आप लोगों को हम सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे, और आप लोग फिर उसके बाद इंशाल्लाह शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो मुझे तब तक थोड़ा टाइम चाहिए होगा, शायद मुझे 1 दिन 2 दिन, या मुझे अगर उसके अगर पॉसिबल हुआ वीकेंड पे आप लोग होते हैं? नहीं, हम अवेलेबल एनी टाइम आफ्टर 10 o'clock, सही After 10 o'clock एट नाइट, पाकिस्तान यस पाकिस्तान के पाकिस्तान नाइट में, ठीक पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो वीकेंड पे अगर हम करते हैं तो उसमें भी अवेलेबल होंगे? बिल्कुल बिल्कुल कोई मसला नहीं है, सही, हम दोबारा कर देंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को दोबारा फिर कर लूँगा कांटेक्ट, और मुझे मैं बल्कि मरियम आपको मैं एक अपना नंबर मैसेज कर दूंगा, तो मुझे एक जी जी श्योर, बल्कि व्हाट्सएप पे मैं एक ग्रुप भी बना लेती हूँ।